आज हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण व गुणधर्म। तो परमाणु सिद्धांत के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 2nd चैप्टर में और 3rd चैप्टर में। तनाव का सिद्धांत, डेमोक्रेट्स ल्यूसीपस का सिद्धांत और डाल्टन का परमाणुवाद। तो इनमें हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ के सबसे छोटे एवं अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, एनोड किरणें, कैथोड किरणें, इनके बारे में पढ़ा था। 1859 में थॉमसन ने कैथोड किरणों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की और 1888 में गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज की और 1919 में जिसे प्रोटॉन नाम दिया गया एनोड किरणों को। तो जब ये निश्चित हो गया कि परमाणु में धनावेशित कण पाए जाते हैं और ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की उपस्थिति प्रमाणित हो गई, तो उसके बाद परमाणु की आंतरिक संरचना को समझने के लिए नए नए मॉडल विकसित किए जा रहे थे। और जिसमें से पहला मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है 10^-10 मीटर त्रिज्या का। थॉमसन के अनुसार परमाणु 10^-10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला है जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, पुडिंग क्या है? एक क्रिसमस केक होता है जिसमें प्लम नामक फल लगे रहते हैं, चेरी। तो जिस प्रकार हम आइसक्रीम खाते हैं, केक खाते हो, वो तो क्या है, पुडिंग, और उसमें चेरी लगी रहती है, वो क्या है, प्लम। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज से कर सकते हैं और बूंदी के लड्डू से भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार तरबूज में काले बीज पाए जाते हैं और बूंदी के लड्डू में काले मिर्च पाई जाती हैं, ऐसे ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और तरबूज का गूदेदार भाग धनावेशित भाग को शो करता है, और ऐसे ही बूंदी के लड्डू में जो बूंदियां हैं वो धनावेशित भाग को व्यक्त करती है। अब चूंकि परमाणु उदासीन होता है, अतः थॉमसन ने सुझाव दिया कि परमाणु में बराबर मात्रा में धनावेश व ऋणावेश पाए जाते हैं, अर्थात धनावेश की संख्या ऋणावेश के बराबर होती है या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। तो यह है थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो इसकी कमी क्या रही कि न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं कहा, यह तो बता दिया कि इसमें धनावेशित कोई चीज है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तो लेकिन तीसरा कण न्यूट्रॉन भी होता है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और इससे रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग की व्याख्या नहीं हो पाती। तो ये एक प्रारूपिक मॉडल था जिसने आगे का मार्ग प्रशस्त किया। 1898 में थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया, उसके बाद 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल में उन्होंने एक प्रयोग किया, स्वर्ण पत्र प्रयोग, गोल्डन फॉइल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, सोने के पतले पत्र पर अल्फा कणों का प्रहार किया। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक स्वर्ण पत्ती लेकर
गोल्डन फॉइल ले ली और उस पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं। हीलियम के नाभिक अल्फा कण कहलाते हैं। तो हीलियम में क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? केवल नाभिक बचा रहेगा। तो अल्फा कण हीलियम के नाभिक होते हैं, He2+। तो रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्र पर अल्फा कणों का प्रहार करवाया, अल्फा कणों की बमबारी करवाई, अल्फा कणों की बोछार करवाई और उन्होंने क्या किया, इस पत्ती के चारों तरफ एक पर्दा लगा दिया और उसको जिंक सल्फाइड से लेपित कर दिया। उस पर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया। जिंक सल्फाइड क्या करता है? स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है ताकि कोई कण जब इस पर टकराएगा तो ये चमक पैदा करेगा। स्फुर दीप्ति क्या होती है ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में एनोड किरणों की विशेषताओं में, कि यदि किसी पदार्थ पर प्रकाश डाला जाए तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपतित प्रकाश को अवशोषित करके स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं, यानी चमकने लगते हैं, और यदि प्रकाश का सोर्स हटा लिया जाए तभी भी वो प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं कुछ देर तक, कुछ क्षणों तक। तो पदार्थों का ये गुण कहलाता है स्फुर दीप्ति। तो अल्फा कण जब इस फॉइल से पार होकर पर्दे से टकराएंगे तो वे चमक पैदा करेंगे और उनकी दिशाकार में ज्ञान होगा कि कौन सा कण इधर जा रहा है। तो इस प्रैक्टिकल में रदरफोर्ड ने क्या प्रेक्षण प्राप्त किए? अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण विचलित हो जाते हैं। आठ हजार में से एक कण 90 डिग्री पर घूम जाता है। और 20,000 में से एक कण ऐसा भी निकला जो 180 पर घूम जाता है, यूं गया यूं आया। इस प्रकार शो कर देते हैं, तो जैसे गया वैसे ही वापस आ गया। तो क्या प्रेक्षण प्राप्त किए? कि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण विचलित हो जाते हैं। 8,000 में से एक कण 90 डिग्री पर घूम जाता है और 20,000 में से एक कण ऐसा निकला जो 180 पर घूम जाता है, जिस प्रकार आता है उसी प्रकार वापस लौट जाता है। इसको हमने इस प्रकार शो कर दिया। तो इस घटना से रदरफोर्ड को बहुत आश्चर्य हुआ। कितना आश्चर्य हुआ? उन्हीं के शब्दों में कहें तो कि यह मेरे जीवन की सबसे अविश्वसनीय घटना थी, इतनी अविश्वसनीय जैसे कोई 14 इंची तोप से निकला गोला एक पतले कागज से टकराकर वापस लौट आए और चलाने वाले पर ही चोट कर बैठे। तो इस घटना से बहुत आश्चर्य हुआ रदरफोर्ड को। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाला? एक तो कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और आवेशहीन होता है, जिसके कारण अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। सेकंड,
कुछ अल्फा कण विचलित हो जाते हैं, अपनी दिशा से मुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग होना चाहिए जिसकी वजह से प्रतिकर्षण के कारण अल्फा कण विचलित हो जाते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक होते हैं, इन पर धनावेश होता है H2+। तो धनावेश धनावेश से प्रतिकर्षित होता है, तो ये प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसका मतलब परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग होना चाहिए जिसे नाभिक कहा गया। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की, परमाणु के नाभिक की खोज की। और नंबर थर्ड, परमाणु के केंद्र में जो धनावेशित भाग है, परमाणु के केंद्र में अत्यंत घना धनावेशित भाग पाया जाता है जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, नाभिक की साइज परमाणु के साइज से बहुत छोटी होती है। नाभिक की साइज कितनी होती है? 10^-15 meters। और परमाणु की साइज कितनी होती है? 10^-10 meters। तो परमाणु बड़ा है और नाभिक छोटा होता है। तो उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परमाणु मॉडल दिया। क्या परमाणु मॉडल दिया? नंबर वन, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और रिक्त स्थान में वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नंबर सेकंड, परमाणु के केंद्र में अत्यंत घना धनावेशित भाग पाया जाता है जिसे परमाणु का नाभिक कहा जाता है। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। नंबर थर्ड, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सौर मंडल में ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अतः रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को ग्रहीय परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां या दोष। तो नंबर फर्स्ट क्या कमी है कि क्लार्क मैक्सवेल के अनुसार, क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत के अनुसार कोई भी गतिशील आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। और हम जानते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी और उसका पथ सिकुड़ता जाएगा, वापस उसी पथ पर नहीं घूम पाएगा और इस प्रकार अंततः वह नाभिक में समा जाना चाहिए और इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व ही नष्ट हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। सेकंड, लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए परमाणु द्वारा सतत स्पेक्ट्रम दिया जाना चाहिए, कंटिन्यूअस। लेकिन परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? असतत होता है, रैखिक होता है। तो इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर सका। और नंबर थर्ड, परमाणु की वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं कर सका कि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यह है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो नेक्स्ट है नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भौतिकी के नियमों के अनुरूप नहीं था और नील्स बोर ने क्या किया, क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके
बोर मॉडल की कुछ अभी धारणाएं प्रस्तुत की, क्या क्या अभिग्रहित है, क्या क्या अवधारणाएं हैं। नंबर फर्स्ट है परमाणु के केंद्र में नाभिक पाया जाता है और नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। सेकंड, परमाणु में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ये वृत्ताकार पथ कक्ष, कक्षा, ऑर्बिट ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहलाते हैं। नंबर थर्ड, ये वृत्ताकार कक्ष सकेंद्रीय रूप से स्थित होते हैं। परमाणु के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप से वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन्हें एन से शो करते हैं। एन का मतलब पूर्णांक है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। तो नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं के, एल, एम, एन और उससे अगली ओ, इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। तो नंबर फोर, एन का मान बढ़ने, एन बराबर एक का मतलब है पहली कक्षा, और पहली कक्षा कौन सी है, के। तो एन का मान बढ़ने पर कक्षों की नाभिक से दूरी भी बढ़ती जाती है। पहला कोश नाभिक के नजदीक होगा, दूसरा कोश थोड़ा दूरी पर होगा, तीसरा कोश और दूरी पर, चौथा कोश और दूरी पर। इस प्रकार एन का मान बढ़ने पर कक्षाओं की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। नंबर फाइव है, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते समय ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नंबर सिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π हो या इसका पूर्ण गुणज हो nh/2π। n बराबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूर्णांक, या तो h/2π के बराबर हो या फिर इसका पूर्ण गुणज हो। तो इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो तो बराबर होता है mvr के, द्रव्यमान गुणा वेग होता है संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, और त्रिज्या से गुणा करने पर क्या बन जाता है, कोणीय संवेग बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2π हो या इसका पूर्ण गुणज nh/2π हो। h क्या है, प्लांक कॉन्स्टेंट है, प्लांक स्थिरांक, प्लांक नियतांक, प्लांक कॉन्स्टेंट। और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास, आर क्या है कक्षा की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, नंबर सेवन, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं।
और जब वापस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अवशोषण ऊर्जा का अवशोषण। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से निम्न कक्षा से ऊंची कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण होगा, ऊर्जा ग्रहण करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जा सकेंगे। और जब उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन। तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किस रूप में होता है? तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत न होकर, कंटिन्यूस न होकर, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। रदरफोर्ड के अनुसार तो स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए था? सतत। लेकिन बोर क्या कह रहा है कि ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। तो यह है बोर मॉडल के अभिग्रहित, बोर मॉडल की अवधारणा। और बोर मॉडल की कमियां क्या है? एक तो यह है केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले परमाणुओं के लिए लागू है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम Hg+, लिथियम Li2+। अधिक इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज के लिए यह लागू नहीं होता। सेकंड, उच्च विभेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर पता चलता है कि परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसकी व्याख्या ये नहीं कर सका। जीमान प्रभाव, स्टार्क प्रभाव, स्पेक्ट्रम में रेखा को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारने पर वह कई रेखाओं में विभक्त हो जाती है, इस घटना को जीमान प्रभाव कहते हैं, जिसकी व्याख्या नहीं कर सका। और ऐसे ही स्टार्क प्रभाव, ये क्या होता है कि स्पेक्ट्रम में रेखा को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर वह कई रेखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसकी व्याख्या भी बोर नहीं कर सका। तो ये इसकी कमियां हैं। और ये हो गया बोर का परमाणु मॉडल।